नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल इनवॉइस के बारे में। फ्रेंड्स, हर बिजनेस के लिए अपनी सेल्स का रिकॉर्ड्स रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेल रिकॉर्ड्स आपकी कई तरीके से मदद करते हैं, जैसे पेड और अनपेड अमाउंट को ट्रैक करने में, कैश फ्लो मेंटेन करने में, सीजनल डिमांड का पता लगाने में और जरूरत पड़ने पर लोन लेने में भी। और इसीलिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं व्यापार ऐप। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि व्यापार में सेल इनवॉइस कैसे बनाएं और उसे अपने ग्राहकों के साथ शेयर कैसे करें। इसके लिए आप ऐड सेल बटन पर क्लिक करें, जिससे सेल फॉर्म ओपन होगा। और यदि आप चाहें तो शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एस का इस्तेमाल करके भी सेल फॉर्म ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कि यह कैश सेल है या क्रेडिट सेल। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट सेल बना रहे हैं। इसके बाद अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करें। अगर आपने ऑलरेडी कस्टमर की डिटेल्स सेव की हुई है तो आप लिस्ट में से कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर कस्टमर की सभी डिटेल्स यहां ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर का पहली बार बिल बना रहे हैं तो नेम टाइप कर टैब की प्रेस कर दें। इससे आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी और आप बाद में पार्टी में जाकर पार्टी की डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। अब पार्टी का फोन नंबर और एड्रेस भी एंटर कर दीजिए। राइट साइड में आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और प्लेस ऑफ सप्लाई दिखेगा, जिन्हें आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको इनवॉइस में आइटम्स ऐड करने होंगे। इसके लिए आइटम लाइन में जाकर आइटम सेलेक्ट करें। इसी के साथ आपको आइटम की क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, डिस्काउंट, टैक्स और अमाउंट भी दिखेगा, जिन्हें आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और इसी तरह से अन्य आइटम्स भी ऐड कर दें। इसके बाद आप पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप इनवॉइस में कोई एडिशनल डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर आपको एक ऐड इमेज का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप इनवॉइस से रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट, आइटम या कोई भी जरूरी इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आपको टोटल अमाउंट से पहले शिपिंग, पैकेजिंग या कोई भी एडिशनल चार्जेस ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसे आपको पहले ही ट्रांजैक्शन सेटिंग से ऑन करना होता है। आप चाहें तो इनवॉइस के अमाउंट को राउंड ऑफ ऑप्शन के द्वारा राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको पहले से ही ट्रांजैक्शन सेटिंग से ऑन करना होता है। अब अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसे आप रिसीव अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें। आपका सेल इनवॉइस रेडी है। आप चाहें तो लेफ्ट मेन्यू में अवेलेबल मल्टीपल थीम्स और कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट साइड में मौजूद ऑप्शंस की हेल्प से अपने कस्टमर्स के साथ ये इनवॉइसेस शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ सेल रिकॉर्ड्स ट्रैक करने के लिए आप लेफ्ट मेन्यू में रिपोर्ट्स ऑप्शन में जाएं और यहां सेल पर क्लिक कर आप अपने सभी सेल रिकॉर्ड्स ट्रैक कर सकते हैं। व्यापार आपको सेल की ग्राफिकल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसे आप डेली, वीकली, मंथली और ईयरली भी ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से आप व्यापार में अन्य ट्रांजैक्शंस जैसे परचेज इनवॉइस, पेमेंट इन, पेमेंट आउट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, एस्टीमेट्स, कोटेशंस, डिलीवरी चालान, एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स भी बना सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो लाइक करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारी।